हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे कुछ पाम के प्लांट्स हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये है साइकस पाम, इसे कंगी पाम भी बोलते हैं। और एक ये और है, इसका मुझे नाम नहीं पता है। इसका थोड़ा सा ट्रंक यहाँ से गोल है, ये देखिए। इसका साइज काफ़ी बड़ा है, 8-9 फीट के करीब है इसका साइज। और ये है एक मेरा एरिका पाम, ये देखिए। ये है मेरा एक फीनिक्स पाम। और मैं ये सारे प्लांट्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इनकी जो है रूट बॉन्डिंग हो गई है बहुत ही बुरी तरीके से, ये देखिए। और इस पॉट के अंदर ये लगा था, मैंने इनको निकलवा लिया है। मेरे हस्बैंड ने निकाला है क्योंकि काफ़ी हैवी थे, तो मैंने खुद से नहीं निकाला है, इसलिए आपको ये बिना पॉट के नज़र आ रहे हैं। इसकी भी रूट से की आप, बहुत ही बुरी तरीके से रूट बॉन्ड हो गया है ये। तो मैं इन सभी को करूंगी रिपोर्ट, इनकी रूट प्रूनिंग, तो मैं इसी को आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं इनको एक एक बड़ा साइज का गमला दूंगी, जैसे ये वाला है, ये पहले इसमें लगा था, तो मैं इसको ये वाला पॉट दूंगी बड़ा। और जो ये छोटा वाला है, इसको मैं दूंगी ये वाला पॉट। और इसके लिए, एरिका पाम के लिए, मेरे पास एक और बड़ा पॉट है, उसे मैं इसमें डालूंगी। तो मैं करती हूँ आज की वीडियो स्टार्ट। ये देखिए, मैंने इसको लिटा लिया है ऐसे करके नीचे, और ये देखिए इसकी रूट्स। और ये पॉट के बिल्कुल बाहर निकल गई थी रूट्स इसके ऊपर तक, इसलिए मुझे इन्हें कट करना पड़ेगा, दूसरी सॉइल डालनी पड़ेगी। और एक नंबर बड़ा मैं इसको पॉट भी दूंगी। मैं इसकी रूट्स को यहाँ से कट कर दूंगी, और इसके लिए मैंने एक सॉ ली है क्योंकि इसको हटाना बहुत मुश्किल है। अगर हम इसकी सॉइल गीला करके भी हटाएंगे तब भी नहीं हट पाएंगी, तो एक ही ऑप्शन है, हमें इन्हें करना होगा कट। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से कट कर लिया है और इसके दो हिस्से हो गए हैं यहाँ से। और बीच में देखिए, बीच में कोई भी रूट नहीं है, रूट खाली ना गमले के किनारे किनारों की तरफ बढ़ती हैं, तो इसलिए हमें इनकी रूट की प्रूनिंग करनी होती है। अभी इसकी और मैं करती हूँ, यहाँ से साइडों से हटाती हूँ अभी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी सारी जो है रूट्स को हटा लिया है, ये छोटा सा एक पोर्शन छोड़ा है मैंने। और अब मैं इसकी पॉट दिखाती हूँ आपको। ये मेरा पॉट है, उसमें होल्स भी बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। और इसके ऊपर पहले तो मैं इसकी ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए ये डालूंगी। ये देखिए, कूलर की ग्रास है, ग्रास कलर की, यूज भी हो जाएगी, फैसला भी नहीं होगा, और इसका ड्रेनेज होल अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं इसको करती हूँ मिट्टी से फिल। देखिए, मैंने मिट्टी से इसको भर लिया है, और मैंने इसमें अपना जो डेली का किचन वेस्ट निकलता है वो भी अभी डाल दिया है इसमें। इसके बाद मैं अपने प्लांट को सेट करती हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, मैंने इसको सेट कर लिया है, और अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूंगी। देखिए, मैंने इसको रिपोर्ट कर लिया है अच्छे से, ऊपर तक मिट्टी से फिल कर लिया है, और कितना अब अच्छा लग रहा है ये।
बड़े साइज का पॉट दिया है मैंने इसको, और अब मैं करती हूँ अपने दूसरे प्लांट के साथ यही प्रोसेस दोबारा से। अभी मैं यहीं से काटूंगी, और फ्रेंड्स डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये प्रोसेस हमें करना ही होता है, इससे हमारे प्लांट बिल्कुल भी खराब नहीं होते। इस वाले प्लांट को मैं 3 से 4 बार रिपोर्ट कर चुकी हूँ अब तक, इसकी रूट प्रूनिंग कर चुकी हूँ, और फिर भी देखिए आप कितना अच्छा है ये। इसको भी मैं एक बार कर चुकी हूँ, देखिए आप यहाँ से, और ये आपको अलग दिखेगा बिल्कुल। तो मैंने पहले इसको यहाँ से कट किया था, इस बार मैं यहाँ से कट करूंगी इसको। हो गया बिल्कुल अलग। अब इसको करना है ऊपर से कट थोड़ा थोड़ा, ताकि इसकी रूट जो है साइड में भी बढ़े। मैं देखती हूँ पहले, नहीं फ्रेंड्स इसमें जरूरत नहीं है, देखिए बिल्कुल सॉइल अच्छी है इसकी, ये थोड़ी थोड़ी है, चलो इनको कर लेते हैं। यहाँ से है देखिए, अगर आप मिट्टी अच्छी बनाते हैं एक बार तो बस सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। वो टाइट होती ना, मुश्किल होता है इसे हटाना, थोड़ी गीली भी है देखिए, अच्छी हट गई सारी। एक इसमें करी पत्ता लगा हुआ है, रहने दो इसे, काफी बड़ा पॉट है। हटा दे थोड़ा, इससे अच्छा होता है हटाना। मैं आपको दिखाती हूँ उसमें जो पॉट में लगाने वाली हूँ, मैं इसको भी खाली कर लूंगी पहले, करके बताती हूँ मैं आपको पहले। ये देखिए मैंने अपना पूरा किचन वेस्ट से भरा था, क्योंकि इतने बड़े पॉट को भरना मिट्टी से बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स, बाहर से मिट्टी कितनी लाएंगे हम, तो मैंने इसको पूरा किचन वेस्ट से भर लिया था, और उसके ऊपर मैंने कोलियस लगा दिया था। मैं इसको हटा लेती हूँ इसके अंदर से, ये तो ऊपर ही रखा था बिल्कुल, इसको मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट कर लूंगी। इसको देखती हूँ मैं इसकी हालत कैसी है अंदर से, देखिए आप देख पा रहे हैं, अरे टाइम के साथ हो जाएगा डिकम्पोज, मेरा मिट्टी से तो भर ही गया पॉट पूरा, तब तक इसकी रूट्स इसमें फैलेंगी नीचे तक, तक ये पूरा कंपोस्ट बन चुका होगा। देखिए मिट्टी से पूरा फिल हो गया है ये, और इसके बाद मैं इसमें लगाती हूँ प्लांट। इसको मिट्टी से करना है फिर, फ्रेंड जहां तक मिट्टी थी हमें वहीं तक भरना है, इसको ऊपर तक नहीं भरना है, बस इतनी नीचे जहां तक थी वहीं तक भरना है, वरना ये मिट्टी में जाके इसके स्टेम्स रॉट होने लगते हैं। वही मिट्टी मैंने इसमें यूज कर ली है, थोड़ा सा मैंने इसमें कंपोस्ट मिला दिया है, और पूरा ही ये मेरा किचन वेस्ट से भरा हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है।
अच्छे से भर लिया है इसको दबा दबा के। जब हम किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो हमें उसमें वाटरिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करते ही उसमें वाटरिंग कीजिए अच्छे से, ताकि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाए। ये लीजिए, दो प्लांट्स हो गए हैं फ्रेंड्स मेरे, तीसरे को करती हूँ मैं। बिल्कुल ही अलग है, रूट बॉन्ड इतनी बुरी तरीके से हो गए हैं ये, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पर कपड़ा लगाया था नीचे इसके ड्रेनेज होल पे, तो वो ऐसे ही नजर आ रहा है। इसको मैं बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगी, इसकी जरूरत करती हूँ मैं थोड़ी सी कट, यहाँ तक कट करूंगी। इसका मैं आपको एक और यूज बताऊंगी फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जरा देर इंतजार कीजिए, इसका एक और अच्छा सा मैं आपको यूज बताऊंगी। इसकी मिट्टी को भी थोड़ा सा रिमूव कर लेती हूँ मैं, यहाँ से काटूंगी नहीं, क्योंकि ये रूट देखिए इसकी अंदर है, तो ऐसी जरूरत नहीं है इन्हें काटने की। ड्रेनेज होल है इसमें पहले से, और मैं इसको रखती हूँ कुछ। देखिए, मैंने इसमें ड्राई लीव्स को भर लिया है जो थोड़ी सी डिकम्पोज हो गई है पहले से, और फिर मैंने सॉइल में डाली है सैंड, ये घर के बनी हुई मेरी किचन वेस्ट की कंपोस्ट, और फिर मैंने डाला है इसमें मस्टर्ड पाउडर, और ये है मेरी प्लेन गार्डन सॉइल। अब मैं इसको करती हूँ मिक्स। ये देखिए, ये भी हो गया मेरा रिपोर्ट, इसे दबा के भर लें, इसमें कर लेते हैं बोल के। तीसरी को भी मैं कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत के बाद मैंने अपने सारे प्लांट्स को रिपोर्ट कर लिया है। ये देखिए साइकस फार्म, और एक इसका नाम मुझे नहीं पता फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो इसका नाम मुझे ज़रूर से बताएं। और ये मेरा एरिका पाम, देखिए काफ़ी बड़े से पॉट में शिफ्ट किया है मैंने इसको, ये देखिए। और ये है फीनिक्स पाम, बहुत मेहनत की है फ्रेंड आज की वीडियो में मैं थक गई काफ़ी। और ये देखिए, ये जो हमारी जो रूट निकली थी उसको मैंने ऐसे यूज़ करूँगी। ये जो एग्स आपको दिख रहे हैं, ये मैंने एग शेल में होल करके उसमें वाइट सीमेंट डाल के तब बनाए हैं। देखिए बिल्कुल एग के जैसे लग रहे हैं, और ये बिल्कुल एक नेस्ट लग रहा है। देखिए मैं आपको प्लांट के ऊपर रख के दिखाती हूँ आपको कितना ब्यूटीफुल ये लगता है। ये देखिए मेरा ये चंपा का प्लांट है, और उसके बीच में मैंने ये रख दिया है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बर्ड का नेस्ट है और ये उसके एग्स हैं। और एक और मैंने पहले से रखा हुआ है, ये देखिए इसमें एग्स नहीं रखे हैं, पहले मैंने एग के शेल रख दिए थे तो कौवा उठाकर ले गया था उन्हें,
तो कैसा लगा मेरा तरीका ये आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है आज की तो इसमें लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर से करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।